तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा लैपटॉप की बैटरी परसेंट कैसे चेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है एंड आपको लिखना है शॉर्टो में CMD, वैसे इसका फुल नेम है कमांड प्रमोट एंड CMD लिख दिया आपका आ जाएगा। एंड आपको इस पर राइट क्लिक करना है एंड आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर एंड आपको यस क्लिक करना है एंड आपके आपका रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। एंड आपको एक यहाँ पे एक कोड होगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, /battery-report, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कोड। एंड आपको यहाँ पे एंटर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे ये वाली लाइन कॉपी करनी है, जो मैं लाइन कॉपी कर रहा हूँ इतनी, दो टेस्ट नहीं, इसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C कॉपी करने का शॉर्ट फॉर्म है एंड इसको मिनिमाइज कर देना है। एंड आपको ओपन करना है फाइल एक्सप्लोरर एंड आपको यहाँ पर होम बटन पर क्रॉस करके एंड Ctrl+V कर देना है पेस्ट के लिए। एंड आप यहाँ पर आपका ब्राउजर ओपन होगा जिसमें आपको सारे बैटरी रिपोर्ट होगी, एकदम नेट लोडिंग ले सकते हैं, आपको पेशेंस रखने हैं एंड आपकी सारी बैटरी रिपोर्ट आ जाएगी आपके, मतलब ये आपकी सारा स्पेसिफिकेशन, थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन इसमें बता दी गई है। आपको थोड़ा सा इंस्टॉल बैटरी पे देखना है, आपको ध्यान देना मेनली। तो आपका यहाँ पर डिज़ाइन कैपेसिटी, मतलब आपकी लैपटॉप की कितनी कैपेसिटी है, यहाँ पे फुल चार्ज कैपेसिटी, मतलब इसका अगर आपके यहाँ पर बाई चांस कम भी होती है ना, मतलब तो मतलब आपकी मतलब थोड़ी सी बैटरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, ये आपकी मतलब 10,000 कम हो तो मतलब चलेगी 8-10 मैक्सिमम 8 या 10,000। अगर आप जैसे लाइक दिस मानो 48,000 कुछ है तो 10,000 मतलब ठीक है, अगर 40,000 है तो आपकी मतलब बैटरी रिप्लेस करने वाली है। तो इसको चेक कर, अगर आपको बैटरी में बैटरी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मान लो 58,000 है एंड अगर आप यहाँ पे कम हो तो मतलब 48,000 मान लो मेरी है, मान लो 48,000 डिवाइड बाई 58,000 एंड मल्टीप्लाई 100 तो मेरी 58,000 बिल्कुल परफेक्ट बैटरी बिल्कुल सही है। तो उसको उतरेगा मतलब इंटू 100 से करेंगे तो 100% ही आएगा। तो आप यहाँ से मतलब बैटरी परसेंट पता कर सकते हो एंड यहाँ पे लाइव वो भी तो पता चलते रहेगा ग्राफ, मतलब मेरी बैटरी बिल्कुल 100% है इसे पता चल जाता है, मतलब आपको मतलब बैटरी रिप्लेस करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।